अस्सलाम वालेकुम खवातीन व हजरात, एक दफ़ा फिर से मैं फत उमर और यूसुफ सलाउद्दीन आपको विरसा हेरिटेज रिवाइव्ड में खुश आमदीद कहते हैं। हमने विरसा की रिवायत में एक और सिलसिले को शामिल किया। हमने एक प्रोग्राम किया जिसमें हमने बरे सगीर के दो बहुत ही कदावर फनकाराओं को उनको खराज तहसीन पेश किया। उस प्रोग्राम को हमने एक नया नाम दिया, दो सितारों का मिलन। और उस प्रोग्राम की हमें इतनी पजीराई मिली कि फिर जब हमारी टीम इकट्ठी बैठी, फारूक बशीर जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, यूसुफ और बग्गा, इन सब ने यही फैसला किया कि बरे सगीर की धरती तो ऐसे इतने बड़े बड़े फनकारों से भरी हुई है कि अगर उनको खराज तहसीन ना पेश किया गया तो हमारा विरसा मुकम्मल नहीं होता। पिछला प्रोग्राम हमने लता जी और मलका तरन्नुम नूरजहान पे किया। अब हमने जिन दो फनकाराओं को आज के प्रोग्राम के लिए चुना है, इन्होंने अपने आप को उस वक्त मनवाया जब भारत में लता जी की हुकूमत थी और यहाँ पे मलका तरन्नुम नूरजहान की। इन दोनों जॉइंट्स के होते हुए अपनी जगह बनाना नामुमकिन नहीं, लेकिन मुश्किल बहुत था। लेकिन इन दोनों ने वो जगह बनाई कि आज तक कोई इनकी जगह ले नहीं सका। इन दोनों में बहुत सी मुश्तरका बातें हैं, वो कुछ टेक्निकल बातें जो हम बाद में करेंगे। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग मौजूद हैं जो उस पर रोशनी डालेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से एक जो चीज इन दोनों में सबसे ज्यादा मुश्तरका थी, वही इनमें सबसे ज्यादा मुख्तलिफ भी थी। दोनों की शादियों ने इनके करियर में बहुत फर्क डाला। एक ने मोहब्बत की, शादी कर ली जब अपने फन के अरूज पे थी, और जिनसे शादी की वो नए नए बम्बई आए थे और फिल्म इंडस्ट्री में दाखिल हुए थे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गीता रॉय दत्त की, जिन्होंने अपने करियर के फुल जेनिथ पे गुरु दत्त से शादी की, जो कि बिल्कुल नई नई इंडस्ट्री में आए थे। उसके बाद गुरु दत्त बहुत बड़े प्रोड्यूसर बन गए, डायरेक्टर बन गए, और गीता दत्त ज्यादातर अपनी होम प्रोडक्शन के लिए गाती थी। उन्होंने जितने लाजवाल गाने दिए उसी जमाने में दिए, लेकिन फिर कुछ इश्क में ऐसी चोट खाई कि आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपना करियर खत्म ही कर दिया। दूसरी जो फनकारा है पाकिस्तान से, उन्होंने 8 साल हुकूमत की यहाँ पे मौसीकी की दुनिया में, 8 साल के बाद शादी कर ली और शादी करके अपने करियर को खैरबाद कह दिया। मैं बात कर रही हूँ जुबैदा खानम जी की। 8 साल में उन्होंने तकरीबन 250 गाने गाए। इतने मुख्तसर अरसे में जगह वो बना ली कि कोई आज तक वो जगह ले नहीं सका। इन दोनों फनकाराओं के बारे में और भी बात करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि प्रोग्राम का सिलसिला शुरू कर दें। अभी जो ये हमारा न्यू टैलेंट है, जो उनमें से एक है शाहिद रफ़ी, और मेरे ख्याल से इन्होंने रफ़ी नाम इसलिए रखा है कि इनकी काफ़ी गायकी का अंदाज रफ़ी साहब से मिलता भी है। और उनके साथ है नाजिश जो कि ड्यूएट गा रहे हैं, और ये कंपोजर हैं जी एसटी बर्मन साहब। फिल्म है प्यासा, साहिर लुधियानवी के लिरिक्स हैं, और बहुत ही खूबसूरत ये डुएट है, हम आपकी आंखों में। हम आपकी आंखों में शुरू करें जी। हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो, हम मोहब्बत के पलकों को इस दिल को सजा दे तो, हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो, हम मोहब्बत के पलकों को इस दिल को सजा दे तो, हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो। जुल्फों में गूंदेंगे हम फूल मोहब्बत के, जुल्फों को छटक कर हम ये फूल गिरा दे तो,
दिल को बसा दे तो हम आपको ख्वाबों में ला ला के सताएंगे, हम आपकी आंखों से नींदें ही उड़ा दे तो, हम आपको ख्वाबों में ला ला के सताएंगे, हम आपकी आंखों से नींदें ही उड़ा दे तो, हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो, जाएंगे गुश खाकर इस पर भी ना हम अपने आंचल की हवा दे तो, हम आपके कदमों में गिर जाएंगे गुश खाकर इस पर भी ना हम अपने आंचल को हवा दे तो, हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो, आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो, आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो। मैं आप दोनों के लिए खड़े होकर ताली बजाऊंगी, सीरियसली अमेजिंग अमेजिंग। नाजिश आपसे बाद में बात करूंगी, पहले शाहिद आप पहले बताएं कि आप यहां पहुंचे कैसे, क्योंकि मैं चाहती हूं कि ये बात आप अपने मुंह से बताएं। जी पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मियां साहब का, जिन्होंने मुझे सब उन्हीं का करते हैं जी प्रमोट किया है और आज मैं यहाँ पे इनकी बदौलत बैठा हूँ, और बाकी सब ऑडियंस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने कभी सीखा किसी से? जी बिल्कुल, मैंने सीखा अभी बाय प्रोफेशन। आप क्या करते हैं? जी मैं वैसे तो अपना छोटा सा बिजनेस है मेरा, छोटी सी शॉप है रेफ्रिजरेशन की, तो वहाँ पे मैं अपना बिजनेस छोड़ा। तो यूसुफ साहब से कैसे मुलाकात हुई आपकी? ये मेरा ख्याल मैं थोड़ा सा बता। ठीक है। मुझे मेरे व्हाट्सएप पे एक आवाज, जो शाहिद ने अपना एक रफी साहब का एक गाना था वो मुझे भेजा, और मैंने सुनते ही मैंने ये फैसला थोड़ा सा गुनगुना के सुनाओ कौन सा था। तेरे आने की आस है दो शाम फिर क्यों उदास है दोस्त, महकी महकी फिजा ये कहती है तू कहीं आस पास है दोस्त, तू कहीं आस पास है दो। माशाल्लाह। और अब आप हमारी विरसा के फैमिली के फर्द बन चुके हैं, इंशाल्लाह अब हम आपको सुनते रहेंगे। थैंक यू सो मच शाहिद जी। नाजरीन अब नाजिश से हम एक सोलो सुनेंगे, गीता दत्त ने जो गाया, और बहुत ही मशहूर उनका ये नगमा है ए दिल मुझे बता दे। और नाजिश की आवाज को मैं जितना एंजॉय कर रही हूँ उससे ज्यादा मैं उनकी जो अदाएं उन्हें एंजॉय कर रही हूँ, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट मोर। इफ़त मुझे याद है ये गाना, ये फिल्म भाई भाई, और बहुत साल पहले वहाँ मैक्लोड रोड पे एक सिनेमा था, एंड आई रिमेम्बर सीइंग दिस फिल्म विद माई ग्रैंड मदर, और उनके साथ उनकी वो बहुत सारी सहेलियां, एक उनकी सहेली थी और बाकी उनकी वो जो खवातीन साथ, तो मुझे इतना याद है कि इतना रोना हुआ उस फिल्म में क्योंकि उस जमाने की फिल्में वो बहुत ट्रेजिक होती थी, लेकिन ये गाना बिल्कुल ट्रेजिक नहीं है, बल्कि दरिया जो थे वो उसमें भरे। एंड आई कैन नेवर फॉरगेट दिस फिल्म, एंड दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स।
नाज़िश आपको सुनने और देखने का लुत्फ आ गया. आप टोटल परफॉर्मर है मस से. थैंक यू. अच्छा गीता दत्त का गाना आपने गाना था. आई एम श्योर आपने फिर थोड़ी सी रिसर्च भी की होगी. आपको गीता दत्त की मौसीकी उनकी आवाज से आपने क्या आपके जहन में क्या आइडिया आया कि उनका खास टच क्या है उनकी स्पेशलिटी क्या है. गीता दत्त जैसा कि सभी जानते हैं कि बहुत अच्छी आवाज और बहुत अच्छे सिंगर हैं और उनकी स्पेशलिटी कि उनके सॉन्ग्स बस चंचल होते हैं तो यही मुझे उनके गानों में बात बहुत वर्सेटाइल आवाज थी उनकी. आर्टिस्ट जो गाने वाला होता है अगर वो अपनी आवाज में एक्सप्रेशन दे तो जो एक्ट कर रहा होता है उसके लिए बहुत आसानी होती है. बहुत आसानी हो जाती है. डॉक्टर उमर आदिल से बात करना चाहूंगी कि हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से थोड़ी आपसे टेक्निकल मालूमात हासिल करें. सबसे पहले तो मुझे बताएं कि आज के प्रोग्राम में हमने चूज किया है हम पल्ला दो फनकाराओं को. वो हम पल्ला क्यों है ये हम जानते तो हैं पर जिस तरह आप एक्सप्लेन करेंगे वो हम मैं नहीं कर सकती. सो यहाँ से स्टार्ट करें एंड देन गो ऑन. इफ़त आपने कहा कि आपका सिलसिला दो सितारों का मिलन है. दरअसल ये दो सितारे नहीं दो सूरज हैं और इनका अपना अपना मदार और अपनी गैलेक्सी है. इतनी बड़ी फनकार हैं इतना बड़ा बॉडी ऑफ वर्क दे डिजर्व एन इंडिविजुअल प्रोग्राम इन देयर ओन राइट सेपरेटली. मैं सारी बातें नाज़िर सुन रहा था जो इफ़त कर रही थी और वहीं से मैं क्यों लेने लगा हूं. इफ़त ने शुरू में बात शुरू की कि देर आर सिमिलैरिटीज़. बहुत सारी ऐसी मुमासलत है जो ज़ुबैदा खानम और गीता रॉय दत्त के दरमियान पाई जाती है. इफ़त पहली बात वी शुड नॉट फॉरगेट इट दोनों कम्प्लीटली अनट्रेन्ड गुलूकाराएं थी. एक ऐसे बैकग्राउंड से आई जहां पे मौसीकी का कोई ताल्लुक नहीं था. हाँ मगर अपने साथ जो चीज़ लेकर आई दैट वॉज अ कम्प्लीट स्पेक्ट्रम ऑफ इमोशंस.
इसलिए प्लेबैक सिंगिंग के जो तकाजे हैं सिचुएशनल होती है, सिचुएशन के मुताबिक वो नैरेटिव को आगे बयान करती है. दे वर परफेक्ट एट डूइंग दैट. आपका बेटा ये ख्याल है कि वो सिर्फ चंचल गाने गाती थी, जब वो अलमिया गीत गाती थी तो लोगों का खून थुकवा देती थी. वाकई वक्त ने किया क्या हसीन सितम. दोनों को जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया वो डेब्यू की वजह से कामयाब नहीं हुई. जुबैदा खानम को बाबा जी एच चिश्ती ने बिल्लो में इंट्रोड्यूस करवाया, मगर उनका जो सूरज चमका है वो रशीद अत्रे साहब के साथ शहरी बाबू में चमका है. इसी तरह गीता रॉय को इंट्रोड्यूस करवाया पंडित हनुमान प्रसाद जी ने, मगर जो उनका सूरज चमका है वो सचिन देव वर्मा के साथ दो भाई के अंदर चमका है. अगली बात ये समझिए, जिस औरत पे सबसे बड़ा एहसान गीता रॉय दत्त का है वो आशा भोंसले हैं. आशा की जो मॉडल थी वो गीता दत्त थी. यू स्टिल सी अ कैबरे नंबर ऑफ आशा इन द सेम वेन एज गीता रॉय, एंड देन यू सी समथिंग लाइक अ भजन इन द सेम वेन एज गीता रॉय. सो दिस वाज द स्पेक्ट्रम. रियली अर्ज ये करनी है कि सबसे ज्यादा मजे की चीज जो गीता रॉय में नजर आती है वो उनकी अपनी जिंदगी यानी फतने. अगेन आई एम गोइंग टू टेक द क्यू अगेन फ्रॉम यू. हर स्टेज आप देख लीजिए, फिल्म बाजी बन रही थी. पहली दफा एक साहब जो चेन्नई से आए थे और जिनका नाम था शिव हरन पडुकोने, और वो आके गुरुदत्त बन गए वहां पे. दीपिका से पहले भी कुछ लोग पडुकोने आ चुके थे वहां पे बिल्कुल. और वहां पे आके अपनी गुलुकारा को गाते उन्होंने सुना. उसके बाद ये है कि वो बिल्कुल दिल हार गए. तो ये जो गाना भी इस बच्ची ने गाया है, ए दिल मुझे बता दे तो किस पे आ गया है, वो उसके ऊपर है. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब. इतनी खूबसूरत बातों के बाद हम एक खूबसूरत नगमा सुनते हैं. और अब हमारे दरमियान मौजूद हैं बीना खान, और ये नगमा जो हमें सुना रही हैं वो भी बहुत ही खूबसूरत नगमा है. पिया ऐसो जियां वे समाए गए रे. और ये फिल्म थी साहब बीबी और गुलाम, हम सब ये जानते हैं. और इसके मौसीकार हेमंत कुमार थे, और हेमंत कुमार ने गीता जी के साथ बहुत गाने गाए भी हैं, उनका स्टाइल भी बहुत मिलता है. तो चलिए बीना. सिंदूर से आग अपनी भरी
इस डर से किसी की नजर ना लगे, इस डर से किसी की नजर ना लगे, झट नैनन में कजरा लगा बैठी पिया ऐसो जिया में समाएंगे औरे कि मैं तन मन की सुध बुध दवा बैठी हर आहट पे समझी जी बीना। सबसे पहले तो मैं आपको विरसा में खुशामदीद कहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और मजा आ गया आपको सुनने का। आप बताएं, आपने गायकी कब शुरू की? कुछ अरसा पहले ही मैंने शुरू किया है, और ये यूसुफ साहब ने जब मुझे इन गानों के लिए बोला, मुझे बहुत पसंद आए, और ये मैंने आज से पहले सुने भी नहीं थे वाकई। और जब मैंने सुना तो मुझे इस कदर पसंद आए, और आप देख रहे हैं कि मैंने याद किया, और याद करने में भी मुझे बहुत मजा आया, और बहुत अच्छे गाने थे ये। बहुत कामयाबी से गाया। देखिए, गाया भी उनको जाता है जिनको आप दिल से सुने, या जो आपको दिल तक पहुंचे बिल्कुल, और आपकी रूह में उतर जाए। वो आपके दिल तक पहुंची इसलिए क्योंकि वो दिल से गाती थी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी शख्सियत। तो अपना अगला गाना सुनते हैं आप? जी बिल्कुल। और वो गाना है जाने क्या तूने कही। जी वाह। मेरे ख्याल से बाकी डिटेल्स देने के बजाय प्यासा फिल्म का गाना है, और मुझे पता है मेरे सब मेहमानों को यहाँ पे पता होगा, हम तो बड़े हुए हैं ये गाने सुन सुन के। कुछ
बीना जी बात पूरी पूरी बन गई, क्या जगह ली है आपने इस गाने में। गीता दत्त की आवाज के बारे में एक और बात जो मैंने, बल्कि मेरे ख्याल से इट्स अ फैक्ट कि कुछ आवाजें होती हैं जिनको इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं होती, उनकी आवाज में खुद ही एक म्यूजिक होता है, और वो आपने इतनी अच्छी तरह निभाया इस गाने में कि मजा आ गया। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। जनाब, अब प्रोग्राम में हमारी जब तक नई सिंगर आती है, हमारे हिंदुस्तान से कुछ मेहमान आए हुए हैं, सुतवंत साहब, और आपके नाम में करीब आकर पूछ लेती हूँ। जी मैम, आई एम रीमा। रीमा एंड योर आभा। कैसे हैं जी? सबसे पहले तो आपको लाहौर में खुश आमदीद, हमने आपके लिए एक यहाँ पे इंडिया का माहौल ही बना दिया। Absolutely, बिल्कुल जी। ये आपका पहला विजिट है? नहीं, I've been here before. आप दोनों भी? आज मेरा पहला। ओके, कैसा लगा आपको हमारी आवाजों में अपने गाने सुनना? खैर वो हमारे भी गाने, हम तो उनको उसी तरह ऑन करते हैं। बहुत बहुत खूबसूरत, रियली नाइस, रियली नाइस, बहुत ही खूबसूरत लगे, इतनी बढ़िया गाए हैं ये लोग कि बस मजा आ गया। कुछ कहना चाहेंगे आप? यही मैसेज, दिस इज माई फर्स्ट विजिट टू लाहौर एंड आई लव द प्लेस, आई लव द पीपल, और इंशाल्लाह आते ही रहेंगे यहाँ। और जाके क्या बताएंगे सबको? सबको यहाँ भेजेंगे जरूर। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? अगेन यू नो लाइक एब्सोल्युटली डिलाइटेड टू बी हियर एज ऑलवेज। आवर प्लेजर जी, यू आर ऑलवेज वेलकम, एंड वी रियली लुक फॉरवर्ड टू अ वंडरफुल इवनिंग एज इट इज। थैंक यू, थैंक यू। खवातीनो हजरात, अगला नगमा जो आप सुनने जा रहे हैं जुबैदा खानम के बहुत ही मशहूर और लाजवाल गीतों में से एक है, फिल्म सरफरोश, जो कि 1956 में रिलीज हुई थी। रशीद अतरे साहब की मौसीकी थी और बोल लिखे थे तो फैज होशियारपुरी साहब ने जी, और पेश कर रही हैं वन एंड ओनली हुमैरा अरशद। हम
खवातीन हजरात जुबैदा खानम पिछले साल हम सबको छोड़ के चली गई। उनके बारे में एक बहुत मशहूर वाकया है कि हिंदुस्तान से चंद जर्नलिस्ट आए उनका इंटरव्यू करने के लिए और जाते हुए उनके तकरीबन पैरों को हाथ लगा कर गए कि आप हमारे साथ हिंदुस्तान चलें, आप पंजाब की आवाज़ हैं, आप हमारी आवाज़ हैं, आप हम में से हैं। लेकिन शादी के बाद उन्होंने गायकी छोड़ दी थी और सिर्फ मिलाद नाते और हम पढ़ा करती थी। लेकिन उनकी लेगेसी उनके बेटे ने आगे बढ़ाई। उनके एक बेटे हमारी इस फील्ड के बहुत मशहूर कैमरामैन है फैसल बुखारी साहब, और अल्लाह ताला उनको भी इस काम में और उनकी बरकत डाले और उसी तरह अपने वालिदैन का नाम आगे बढ़ाते रहे। अच्छा उमेरा, मुझे बताएं, आपने मैडम के भी बहुत गाने गाए, आपने तकरीबन हमारे जितने भी लेजेंड्स हैं उनको गाया। जुबैदा जी के बारे में आपका अपना पर्सनल व्यू क्या है उनकी गायकी के बारे में? मैडम जी के बाद तो मुझे लगा कि उनकी जो गायकी है वो बहुत ही स्ट्रांग है और उनके एक्सप्रेशन बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैंने भी कोशिश की गाने की, तो मैडम जी के क्योंकि बहुत ज़्यादा गाने सुने हुए हैं तो इसलिए उन्हें गाना थोड़ा इजी लगता है। लेकिन जब ऐसे जो सिंगर्स हैं जिनके कभी इत्तेफाक नहीं हुआ, कभी मुझे इत्तेफाक नहीं हुआ उनके गाने गाने का। और वैसे भी जुबैदा जी सीखी भी नहीं थी तो वो जो भी गाती थी आई गेस उन पे आमद होती थी। बिल्कुल। और उसको कैच करना, एक मेथड के बगैर गाना उसको कैच करना आसान नहीं है। ये बात उमेरा के लिए कुछ मुश्किल नहीं है? नहीं नहीं, मेरे लिए भी मुश्किल है, मुझे भी बहुत मुश्किलात पड़ती है, क्योंकि अपना गाना जो होता है वो बहुत ईजी होता है, उसको गाना बड़ा इजी इजी लगता है। लेकिन किसी का गाया हुआ गाना जो है, क्योंकि वो लोगों ने सुना होता है, उसका एक एक सुर, एक एक जो उसके एक्सप्रेशन है वो सुने होते हैं, तो जरा सा कोई आगे पीछे हो जाए तो लोग कहते हैं ये सही नहीं गाया, ये नहीं हुआ। आपने बहुत खूब गाया। और अगला जो आप गीत पेश कर रही हैं वो भी जुबैदा खानम जी का, बहुत मशहूर उनका यह नगमा है, दिल जला ना दिल वाले। फिल्म कोयल, ख्वाजा खुर्शीद अनवर और तनवीर नकवी। और यहाँ पे मैं जुबैदा खानम जी के बारे में एक और बात ऐड करती चलूं, उन्होंने कुछ फिल्मों में भी काम किया। इनफैक्ट एक फिल्म थी पाटे खान जिसमें वो मैडम नूर जहान के साथ सेकंड लीड थी। एशिया की वह सिंगर जिसके साथ गाने, शहरी बाबू ने कहा
आगा साहब यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन जो भी हमने फनकार आए आज सेलेक्ट किए हैं, आपने उनके लिए जो जो सिंगर सेलेक्ट किए वो क्या सोच के किए? पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं आज मुझे बड़ी देर बाद एक चीज फील हो रही है, वो ये है कि आई एम वेरी लकी, आई एम वेरी ब्लेस्ड। उसकी वजह ये है कि मैंने बचपन से अपने सीनियर्स के साथ काम किया। अंकल वजाहत अत्रे साहब बैठे हैं, ये मेरे समझ लें कि ये वो हैं कि जिन्होंने मुझे चांस दिया इंडस्ट्री में एज ए परकेशनिस्ट, एज ए ड्रमर, एज ए रिदमिस्ट। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने आज बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह काम किया है, बहुत कुछ अल्लाह ने मुझे नवाजा है। तो ये मतलब पहले मैंने इनसे काम किया, अंकल वजाहत अत्रे, अंकल जुल्फकार, ताफु साहब, मतलब ये जो हम, उसके बाद जो मैंने गाने नहीं सुने हुए थे ये बाबा जी जिंदगी में आ गए, तो इन्होंने मेरे से 100-100 साल पुराने गाने करवाए, उनसे मुझे सीखने को मिला। बिल्कुल, तो वो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक वाहिद पाकिस्तानी म्यूजिक में काम कर रहा हूँ। इनके सामने मैं म्यूजिक डायरेक्टर तो नहीं कहूँगा अपने आप को, लेकिन अगर मैं जितना भी किया मैं इंटरनेशनल अवार्ड्स लेके आया हूँ पाकिस्तान में, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो मैं सब डेडिकेट अपने सीनियर्स को करता हूँ, बाबा को, अंकल वजाहत को, और जितने हमारे सीनियर म्यूजिक डायरेक्टर हैं, स्पेशली हमारे म्यूजिशियंस सजाद भाई, बल्लू भाई, मेरे अबू हमजे साहब, तो इन सबको मैं डेडिकेट करता हूँ और थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम साइमा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। मैडम के गाने तो हमने आपको गाते हुए सुना है, आज ज़ुबैदा खानम जी का सुनेंगे जरूर। और मैं मतलब ये सबके सामने कहना चाहती हूँ कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू, सीरियसली बहुत शुक्रिया। तो आप आज हमें कौन सा गाना सुना रही? मैं ज़ुबैदा जी का आए मौसम रंगीले सुहाने। I'm
नाज़रीन ये फिल्म 1959 में बनी थी, फिल्म का नाम था 7 लाख। हम आइटम सॉन्ग्स की आजकल बहुत भरमार है, मेरे ख्याल से ये उस जमाने का पहला आइटम सॉन्ग था जिससे नीलो बेगम सुपरहिट हो गई थी। थैंक यू सो मच साइमा, बहुत शुक्रिया। मौसीकी रशीद अतरे साहब की थी, उनके फर्जानी यहाँ पे मौजूद है मेरे ख्याल से, उनसे हम अगर बात ना करें तो हमारा प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होता। जी वजाहत साहब, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा अपने वाले साहब की कॉम्पोजिशन। क्या बात है, ऐसे बुजुर्ग पैदा नहीं हो सकते। बिल्कुल नहीं हो सकते। कोई मुझे यादें बताएं उनकी, कोई बातें बताएं फरीद जुबैदा खानम साहिबा के बारे में, क्या ख्याल थे उनके? वो जुबैदा खानम बहुत अच्छी बात थी, ठीक वो सादा, बिल्कुल अल्लाह लोग थी वो बात, ना मुर्की थी उनके गले में, ना मुर्की थी ना वर्दें थी। अतरे साहब ने बहुत मेहनत की, वो सीखी, सीख के कहीं से नहीं आई नहीं थी। कोई बिल्कुल नहीं, सीधा आ गई वो सोनू लता जी के साथ। जी बिल्कुल, उन्होंने आगे कहा कि इनको बुलाए, उन्होंने 7 गाने इसके हिट कराए, 7 गाने उनके हिट कराए। एशिया की वह सिंगर जिसके 7 गाने हिट हुए शहरी बाबू में, ये उसकी। फिर उसको वर्दे भी लेनी आई, जिन्हें भी कलाई, यानी कि सारी जो तालीम थी मौसीकी की वो अतरे साहब ने उनको दी। और अपने वालिद साहब के बारे में बता। मेरा वालिद साहब ऐसा बाप कभी नहीं किसी का पैदा होगा जितना उसने नाम पैदा किया। ये तो है। मुझे फख्र है अपने बाप पर, मैं उसकी जगह। उनकी कौन सी कंपोजिशन है जो आपके दिल के बहुत करीब है? उनकी हर कंपोजिशन मेरे दिल पे। नहीं, आप बिल्कुल ठीक है, हमारे भी हैं, पर कुछ होंगी ना जिसको मतलब बहुत ही फेवरेट होती हैं कि ऐसी को दुनिया में कर नहीं सकता। वो जिया रतन से ऐसी कंपोजिशन पट दीबे उन्होंने बनाई जो कोई नहीं बना सकता, अनारकली के गीत उन्होंने बनाए जो कोई नहीं बना सकता, कोई नहीं बना सकता। दीन के गाने उन्होंने बनाए, कोई नहीं बना सकता। अच्छा, वो किसके साथ ज्यादा काम करना पसंद करते थे, कौन सी गुलुकारा या गुलुकार थे? मलका तरन्नुम नूरजहां। मलका तरन्नुम नूरजहां, उसकी क्या वजह? वो क्लासिकल भी जानती थी, सीखी हुई थी। हाँ। ओके। वो जो आलाप जो दो तीन तीन घंटे करते थे, दोनों मुकाबला करते थे, जब रिकॉर्डिंग होती थी उससे पहले रियाज करते थे। आप कभी मौजूद होते थे जब ये सब होता था? मैं वही होता था। वाह, इसलिए तो मैं भी बजाहत्रे बन गया। बजाहत्रे बन गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे विरसा प्रोग्राम की प्रिंसेस हिना नसरुल्ला यहाँ पे आ गई हैं। जुबैदा खानम जी, डॉक्टर साहब ने भी बताया कि कोई उनका किसी घराने से ताल्लुक नहीं था, उन्होंने कहीं से सीखा नहीं था। लाहौर स्टेशन रेडियो स्टेशन पे पहली दफा गाया तो सौरन लता और नजीर साहब ने उनकी आवाज सुनी, उनको लेके आए, इंट्रोड्यूस कराया। फिर जैसे उन्होंने बताया कि अतरे साहब और जी ए चश्ती साहब, उन्होंने उनको सवारा और जहां वो पहुंची वहां तक पहुंचाया। तो आप सुना रही हैं, हमने पहले भी आपकी आवाज में ये गीत सुना है, वही वाला गाना। जी बिल्कुल, मेरी चुन्नी दिया रेशमी का। तेरी याद ना भूले वे, तेरी याद ना भूले।
लास्टीन ये गाना फिल्म जट्टी से था और मौसीकार थे जी एच चिश्ती साहब और इसके लिखारी जो बोल लिखे थे वो अहमद राही साहब ने लिखे थे। है ना, तुम्हारी गायकी में जो सुकून और इत्मीनान है ना, ये तुम्हारी सबसे बड़ी खूबसूरती है। तुम्हें कभी मैंने कुछ भी गाते हुए मुश्किल में नहीं देखा। इतनी इतनी मुश्किल जगह तुम इतने इत्मीनान से लेती हो ना कि इंसान दंग रह जाता है। मुझे ये बताओ जुबैदा खानम जी की गायकी के बारे में तुम्हारा अपना, ऑब्वियसली तुमने भी उनको सुन के ही ये गाना गाया होगा, तो तुमने क्या कंसीव किया उनकी गायकी के बारे में? सबसे पहले तो मेरी बहुत खुशनसीबी है, मुझे ये गाने का मौका मिला। मेरी पहली दफ़ा उनका ये गीत सुना था और गालिबन बाबा चिश्ती शायद बता रहे जी हैं चिश्ती साहब जी, बाबा जी चिश्ती, बड़ा खूबसूरत गाया उन्होंने और मैंने कोशिश की कि अपने तरह से अच्छे तरीके से उसको अदा कर सकूं। वैसे तो शायद बहुत मुश्किल है लेकिन कोशिश जरूर की कि अच्छे तरीके से अदा। बहुत खूब कोशिश की आपने, थैंक यू। मैं तालियां बता रही हूँ, थैंक यू सो मच। है ना ख़वातीनो हज़रात, इसके साथ ही मुझे और यूसुफ सलाउद्दीन को इजाज़त है। इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसा ही कोई बेहतरीन प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।